लॉकडाउन और डीजल पेट्रोल के बड़े दामों ने कमर तोड़ कर रख दी है। हाट बाजारों में जाकर मसाले बेचने के व्यापारी हाट बाजारों पर प्रतिबंध और लॉकडाउन लगने के चलते साइकिल से आसपास के गांवों में घूमकर मसाले बेचने को मजबूर हो गए। सेंदुआ की शास्त्री कॉलोनी निवासी मनोज कुमराव, जो कि पिछले 35 सालों से और अपनी 3 पीढ़ियों से मसाले बेचने का व्यापार कर रहा है। मनोज हाट बाजार में चलने वाली गाड़ी के माध्यम से हाट बाजार और आसपास के गांवों में जाकर मसाला बेचता है, लेकिन हाल फिलहाल लॉकडाउन और हाट बाजार में प्रतिबंध के चलते सामने उसके आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मनोज दो जून की रोटी जुटाने के लिए साइकिल के माध्यम से प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर का सफर तय कर आसपास के गांवों में जाकर मसाले बेचता है। मनोज बताता है कि वो सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 8 बजे घर में वापस पहुँचता है। मनोज ने बताया कि मोटरसाइकिल का उपयोग इसलिए नहीं करता कि पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा हैं, अगर बाइक से घूमेगा तो मुनाफा नहीं होगा। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी कमर तोड़ दी है। विजयसन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। मनोज पूरा नाम बोलो। मनोज पिकाऊंगा। कहाँ के हो? सेंदुआ। क्या व्यापार करते हो आप? हंडी मसाला। कब से करते आ रहे हो? कम से कम तीसरी पीढ़ी चल रही है। अभी आप साइकिल से मसाला व्यापार क्यों कर रहे हो? 1 महीने से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, ये बहुत दिक्कत होती है। तो ये कब से कर रहे हो आप ये काम? कम से कम 1 माह हो गया इसे। तो वाहन से क्यों नहीं कर रहे हो? पेट्रोल महंगा पड़ता है, खर्चा निकल नहीं रहा है। अच्छा, तो कहाँ से आप बेचते हो, कहाँ तक बेचते हो आप? कम से कम 50-60 किलोमीटर रोज रनिंग हो जाता है। साइकिल से? अकेले ही हो? हाँ अकेले। क्या क्या बेचते हो? हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा। लॉकडाउन के पहले आप कहाँ से बेचते थे? उस पर पहले बाजार गाड़ी थी। आप साइकिल से बेचते हो? साइकिल से बेचते हो। साइकिल से बेचने का कारण? खर्चा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।